बाकियों से भी कह दो कि क्लास ज्वाइन कर ले, ठीक है? इवन आईटी वाले में भी जिन लोगों को फिफ्थ और सिक्स अवेलेबल अभी क्योंकि वहां भी नहीं हुआ है, उन लोगों को भी मैसेज कर दो कि अभी वो क्लास ज्वाइन कर सकते। एक क्वेश्चन लिखो। सिंप्लीफाई द गिवन बूलियन फंक्शन यूजिंग f is equal to the summation m is equal to 0 2 4 6 9 13 21 23 25 29 and 30, ठीक है? या जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 31 है। दैट मींस ये जो फंक्शन है 5 वेरिएबल का फंक्शन, दैट मींस ये जो फंक्शन है वो 5 वेरिएबल का फंक्शन है। 2 to the power 5 मीनिंग 32, ठीक? 5 वेरिएबल से ही हम 32 मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 0 से 31 तक को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एट लास्ट 5 वेरिएबल रिक्वायर्ड, ठीक? नाउ लेट्स से दीज वेरिएबल आर ए बी सी डी और ई, ठीक? हमने तुम्हें क्या बताया कि जब 4 वेरिएबल से ज्यादा हो तो हम यही जो 16 4x4 का जो ये हमारे पास के मैप है, ऐसे ही 2 4x4 के मैप लेंगे, ठीक? उसके बाद जो एमएसबी है ए, ठीक, इस वाले के मैप में ऊपर लिखोगे ए ए बार और यहां आएगा ए, जो एमएसबी है वो यहां आ जाए 0 और ये बाकी जो होंगे बी सी डी ई, बी सी डी ई, इनको एज इट इज जैसे लिखते हो वैसे लिखो, सी बार सी बी सी डी बार ई बार डी बार ई डी ई एन डी देर ऑल्सो डी बार डी बार डी बार डी ई डी ई बार, क्या हो गया? बी बार सी बार बी बार सी बी सी इस वाले पे देखोगे तो ये बेसिकली क्या होगा, ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार, यहां का जो फंक्शन होगा उसको क्या लिखोगे, ए बार बी बार सी बार डी बार ई, यानी ये जो सारे के सारे 16 ब्लॉक्स हैं सब में ए बार तो अवेलेबल होगा। इसी तरह से यहां पे जो बाकी 16 है, इस वाले का अगर हम लिखने की कोशिश करें तो क्या आएगा, ए
बी बार, सी बार, डी बार, ई बार। ठीक, मान लो इस वाले को हम लिखने की कोशिश करें, ये क्या आएगा, ए बार बी सी डी और यहां पे अगर हम इस वाले को लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बी सी डी। और इस हिसाब से अगर हम सबके डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना स्टार्ट करते तो ये होगा 0, 1, 3, 2, 4, 5, 6, sorry, 7, 6, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 15 and this is 40। 15 तक हो गया, अब यहां पे स्टार्ट होगा 16, 17, 19, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 26, 28, 29, 31, and this is 30। इस फिलिंग में किसी को कहीं कोई दिक्कत या डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। यहाँ पे एक चीज और क्या ध्यान कि अभी तक जो हम पेयरिंग करते थे वो इस इंडिविजुअल के अंदर करते थे या इसके अपने अंदर, इसके इंडिविजुअल के अलग अंदर करते। अब हमारे पास जब 5 वेरिएबल का है तो इन दोनों में, इन दोनों की आपस में भी पेयरिंग, और उसको कैसे करोगे, इस पूरे ब्लॉक को उठाओ और उठा के इसके ऊपर रख दो, जो भी ब्लॉक जिसके ऊपर आ रहा है वो उसका एडजेसेंट ब्लॉक हो, मीनिंग 4 के बगल में 20 दिखाई देगा, 5 के बगल में 21 दिखाई देगा, जब इस पूरे ब्लॉक को उठा के इसके ऊपर रख दो, 11 के बगल में 27 दिखाई देगा, 9 के बगल में 25। और इस इमेजिनेशन के साथ में हमें पेयरिंग करनी होगी, मतलब अगर एक वन यहां है 4 पे और एक वन यहां 20 में, ठीक, तो ये वन और ये 4 वाला वन, क्योंकि हमने क्या कहा, इस पूरे ब्लॉक को उठा के जब हमने इसके ऊपर रखा तो 20 और के ऊपर आएगा 4, यानी 20 और 4 एक दूसरे के एडजेसेंट है, दैट मींस ये 1 और ये 1 एक पेयर बना सकते हैं, ये 1 और ये 1 एक पेयर बना सकते हैं। इसी तरह से मान लो एक 1 यहां होता, एक 1 यहां होता, एक बार यहाँ होता है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पे ये इन दोनों को मिला के और इन दोनों को मिला के एक क्वाड बन गया, ठीक। अच्छा मान लो एक यहाँ पे होता और एक यहाँ पे, अभी क्या बनेगा सर, डबलेट सर, अब तो सिंगल सिंगल पेयर बनेगा सर, सिंगल सिंगल हो जाएगा, सिंगल सिंगल रहेगा, क्योंकि देखो 31 जो है वो 15 के एडजेसेंट आएगा और 7 जो है वो 23 के एडजेसेंट आएगा, तो ऐसे क्रॉस में दिखाई दे रहे होंगे ये 7 और 31, 3D में जब देखो तो ये तो ऐसे क्रॉस में दिखाई दे रहे होंगे और क्रॉस में हम पेयर बनाते नहीं, तो बात
ना अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिल करते हैं भाई, 0, 2, 4, 6, 9, 13, 21, 23, 25, 29, and 30. ये हमने वंस फिल कर। अब आराम से बैठ के देखो कितने क्वाड बन रहे हैं और कितने पेयर बन रहे। सर दो क्वाड बन रहे हैं सर, एक इसमें बन रहा है सर, एक उसमें बन रहा है सर। देखो जो इंडिविजुअल दिख रहा है वो तो ये एक ही है, एक इंडिविजुअल इसमें दिख रहा है ये वाला, ये तो इंडिविजुअल दिख रहा है। एक पेयर बन रहा है सर दोनों को मिलाने में। 39, 29, 25, 26, हाँ ये सर। अब देखो यहाँ पेयर ये 29, 25, 9 और 13 इन चारों को मिला के एक क्वाड नहीं बन जाएगा। यस सर है ना। यस सर ये पॉइंट कितने लोग देख पा रहे हैं कि और किसको समस्या है इस। सर इसको शो कैसे करेंगे, बन तो जाएगा सर। शो सिंपल, यहाँ पे एक पेयर दिखाओ, यहाँ पे एक पेयर दिखाओ। ये सर और तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये एक क्वाड है और उसी हिसाब से हमें कॉमन दिया। ये सर ठीक। अच्छा अब देखो इन इस वाले क्वाड की जब पहले बात करते हैं, इन चारों वंस में ए बार अवेलेबल होगा, चारों वंस में ए बार अवेलेबल होगा ठीक। इन दोनों ये दोनों रोज की बात हो रही है और इन दोनों कॉलम्स की बात हो रही है, तो बी बार कॉमन है, ई बार कॉमन है, क्या गया ए बार बी बार और ई बार ठीक। सिमिलरली यहां पे देखेंगे इन चारों में ए कॉमन है, फिर उसके बाद सी और इधर से ई, तो ए सी ई प्लस यहां। अब इन दोनों में ए है, इन दोनों में ए बार है, तो वो तो कॉमन हो नहीं सकता। अब बाकी बचे चार वेरिएबल में देखते हैं, तो देखो इन दोनों में बी कॉमन है, यहां पर भी बी कॉमन है, तो एक टर्म हो गया बी मिला। फिर कॉलम में देखें तो डी डी बार ई इन दोनों में भी है और डी बार ई इन दोनों में भी है, तो ये क्या क्या बी डी बार सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। क्योंकि हम थोड़ा सा तुमको टाइम दे रहे थे कि तुम्हें समझ आ रहा है। यस सर यहां तक मैं किसी को सर इसमें सर ये क्वाड सर दो डिफरेंट टेबल का टेबल में बना सकते हैं मतलब जो हाँ सर इसमें जो पेयरिंग की सर जो क्वाड बनाया है सर सर दो डिफरेंट टेबल है सर इसमें 16 का सर इसमें भी बन सकता है मतलब आपस में भी। हाँ अच्छा सर वो डिस्कनेक्ट हो गया सर का? अच्छा अच्छा ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो लिखो एफ ऑफ A B C D E
जीरो वन टू फोर सिक्स नाइन थर्टीन थर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी नाइन ट्राई करो खुद से यहां सिंपली तुम्हें जो याद रखना है वो ये कि इस पूरे ब्लॉक को उठा के तुम्हें इस ब्लॉक के ऊपर रखना है जो भी जिसके ऊपर पहुंच रहा है जैसे जीरो के ऊपर कौन आएगा 16 वन के ऊपर आएगा 17 ठीक तो जीरो का एडजेसेंट हुआ 16 ठीक यानी जीरो का पड़ोसी हुआ 16 वन का पड़ोसी हुआ 17 इस तरीके से तुम्हें चीजें देखनी है जीरो वन टू फोर सिक्स नाइन टेन थर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी पहले तो इंडिविजुअल के जो बन रहे हैं वो देख लो ये बन गया ये क्वाड बन रहा है ठीक अब यहां ये दो और ये दो एक क्वाड ये बन गया इस वन को पेयर कर सकते हैं इस वन के साथ ये दोनों वन का खुद से पेयर हो जाएगा एंड लास्ट ये वाला 20 और ये 4 वाला एक पेयर ये बन जाएगा क्योंकि 24 के ऊपर आएगा यानी 20 और 4 एडजेसेंट होंगे आराम से इनका पेयर तो एक क्वाड 29 31 सर एक क्वेश्चन था हाँ बेटा
सर जैसे आपने वन और नाइन को पेयर किया है सर, हम वन और जीरो को पेयर कर सकते हैं? वन और नाइन को सर, हमने वन और नाइन को पेयर किया वैसे, हाँ बिल्कुल वन और जीरो को भी कर सकते थे सर। आंसर में तो सर फिर वैरी करेगा। हाँ बिल्कुल वैरी करेगा, तभी हमने कहा एक के मैं मोर देन वन आंसर दे सकता है, उसमें कोई गलती नहीं, दोनों ही आंसर तुम्हारे बिल्कुल सही होंगे। ओके सर, ओके सर, ठीक है। इस वाले को फर्स्ट वाला जो है, ये फर्स्ट वाले से देखोगे तो क्या आएगा, ए बार बी बार और ई बार, डी डी कैसे आएगा, फर्स्ट वाले को देख रहे हैं। यस सर, यस सर, ई बार, ई बार, यस सर। बस एक क्वार्ट हो गया, दूसरा क्वार्ड या 13, 9, 20 और 25 को मिलकर बना, ठीक। यहाँ पे क्या मिलेगा, बी एंड डी बार, डी बार, ठीक, प्लस एक पेयर ये है, इसमें क्या कॉमन मिलेगा, सी डी और ए, ये क्या आ जाएगा, ए सी डी प्लस, ये हो गया, ये हो गया, एक पेयर बचा रहा है, ये वाला। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा भाई, बी बार सी कॉमन है, डी बार ई कॉमन है ना, बी बार सी और डी बार, बी बार सी डी बार ई। लास्ट टर्म वन और नाइन का जो हमने पेयर बनाया, उसमें क्या आएगा, ए बार सी बार डी बार ई, जो भी लोग कॉमन निकालने में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं वो सिंपल एक कॉन्सेप्ट पकड़े, हर एक का इक्विवेलेंट लिख लें, मीनिंग 13 का इक्विवेलेंट, 9 का इक्विवेलेंट, एबीसीडी के फॉर्म में, यानी इसका अगर हम लिखते 13 का तो क्या आता, ए बार बी सी डी बार ई, 9 का लिख लो ए बार बी सी बार डी बार ई, इधर 20 का लिख लो ए बी सी डी बार ई बार, 25 का लिख लो ए बी सी बार डी बार ई, और उसके बाद इन चारों में कॉमन ले, जो भी लोग कॉमन नहीं ले पा रहे वो इन सिंपल इस चारों का कॉमन। सर ये जो बी सी बी बार सी और डी ई वाला टर्म है, ये वाला टर्म, नहीं नहीं सर के मैप में देखिए सर, सर बी बार सी और डी बार ई वाला टर्म 20 नंबर पे, हाँ ये 20 नंबर पे, हाँ ठीक है सर, ये 29 है, 29 सर, ऊपर 20 नंबर और 6 नंबर को पेयर नहीं कर सकते, ये जानना चाह रहे थे। 20 और 6 को, नहीं 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 बेटा, देखो जब भी हमने क्या बताया, इस पूरे के मैप को उठाओ और इस के मैप के ऊपर रखो, तो 20 जो है वो 4 के ऊपर आएगा। ओके सर, ठीक है, तो 20 जो है वो 4 का एडजेसेंट। ओके सर, देखो बहुत
टिपिकल क्वेश्चन तुमसे फाइव वेरिएबल के नहीं मिलेंगे जिसमें तुम ढूंढते रहो, लेकिन हाँ तुम्हें एट लास्ट बनाना आना चाहिए। लास्ट इज सिक्स वेरिएबल। अब हमें क्या करना होगा, चार ऐसे फोर क्रॉस फोर लेने, क्वेश्चन लिखो, सिंप्लीफाई फॉलोइंग बूलियन फंक्शन using K-map. F is equal to summation क्वेश्चन हम इधर लिख रहे हैं, अभी तक एक बार आया है आज तक, पहले इस पे कैसे हमें फिलिंग करनी है ये कैसे याद है, ये है ए बार बी बार, ठीक, इस पूरे ब्लॉक में ए बार बी बार को, ठीक, ये है ए बार बी, ये है ए बी बार, लास्ट वन इस ए, यहाँ पे ए एम एस बी है, उसके बाद जो बाकी जितने बचे सी डी ई एफ, जस्ट
यहाँ जो फीलिंग होगी उसके लिए हमें याद रखना है जीरो वन थ्री टू फोर फाइव सेवन सिक्स एट नाइन इलेवन टेन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन फोर्टीन। ये वाला तो तुम्हें पता है, आराम से कर लो। ठीक, यहाँ पे भी वही है सी बार डी बार सी बार डी सी डी सी ई बार एफ बार ई बार एफ ई एफ ई एफ। इधर ई बार एफ बार ई बार एफ ई एफ ई CT। अब ये वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, इसकी अगर बात करेंगे A बार B C बार D बार E बार F, यानी इसको क्या लिख सकते हो जीरो वन जीरो 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 जीरो। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखो क्या हो जाएगा वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी। ठीक, केवल 16 पे वन है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 16। तुम चाहो तो नॉर्मल जीरो वन और जीरो 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 को डेसिमल इक्विवेलेंट इसका निकाल सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा 16, ये 17, 18 और 19 होना चाहिए, तो 19 को पहले ले आओ 18 को यहाँ, 20, 21, 23, 22। अब लास्ट वाले में चले जाओ, 23 तक हो चुका है, 24, 25, 26 ना लिख के 27, फिर यहाँ 26, 27 तक हो गया, यहाँ से 28, 29 31, 30। यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे और फिर यहां जाओगे। थर्टी वन तक हो गया, 32, 33, 34 होना चाहिए, 35, 34 35 तक हो गया, 36, 37, 38 होना चाहिए, 39, 38, 40, 41, 43, 42। फोर्टी सेवन तक हुआ, यहाँ पे आओ 48, 49, 50, 51 एंड दिस इज
अब जब यहाँ पे हमें ग्रुपिंग करनी होगी, क्वाड और सब बनाने होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसके ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है, क्यों, दोनों में ए बार कॉमन है, इस वाले को हम इसके ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक, क्यों, दोनों में ए कॉमन, इसको हम इसके ऊपर ले जा सकते हैं, दोनों में बी बार कॉमन, इस वाले को हम इसमें ले जा सकते हैं, दोनों में बी कॉमन, और इन चारों को एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं, मतलब अगर यहां वन है, यहां वन है, यहां वन है और यहां, तो इन चारों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे क्वाड बन तो जाएगा। देखोगे ये सारे एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्वाड आ, सर सर ए बार बी के बाद ए बी पे नहीं आ सकते पहले, हाँ नहीं, यहाँ पे जीरो 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 वन, वन जीरो और वन वन ही चलेगा, यहाँ पे वो